यूं तो सृष्टि की रचना में ईश्वर ने ही नर और नारी की रचना की, लेकिन सृष्टि के कण कण में नारी को प्रधानता प्रदान की गई। शक्ति की प्रतीक दुर्गा है, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती तो संपन्नता की प्रतीक लक्ष्मी। जीव उत्पत्ति की शक्ति भी नारी को ही प्रदान की गई। परमपिता परमात्मा भी स्त्री को ही ज्ञान का कलश अर्पित कर विश्व परिवर्तन का निमित्त बनाते हैं। कण कण में नारी की भागीदारी के बाद भी नारी उद्धार का विलाप अंतर द्वंद से परिचय कराता है। सामाजिक परिवेश के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी महिला शक्ति की वंदना के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टिकरापारा स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र में आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ समाज की निर्मात्री नारी और महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए मंजू बहन ने कहा कि पुरुष राम है तो स्त्री रमा। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, मगर श्रेष्ठ आचरण के बिना स्त्री वंदनीय नहीं रह जाती। स्त्री को अपने आचरण में वो दिव्यता जगानी है जिससे पुरुष उसे नतमस्तक होकर स्वीकार करे। जो शिक्षा मॉरल एजुकेशन हमें यहाँ मिल रही है, आध्यात्मिक शिक्षा, वो आज स्कूलों में भी नहीं मिल रही है। हमारी जो मैडम पढ़ाती है हमको मॉरल साइंस की क्लास लेती है, वो मैडम खुद लिपस्टिक लगा के आती है, वो खुद मैचिंग की ऐसी ड्रेस पहन के आती, हमको उनसे कोई मॉरल एजुकेशन सुनना अच्छी नहीं लगता। मैडम वो पंच बातें रहते हैं और हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं और वो हमें मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक उन बातों को हम स्वयं अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करते, तब तक हम कितना भी बच्चों को कह लें, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। गौरतलब है कि ब्रह्म कुमारीज विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है, जो 137 से भी अधिक देशों में 8,500 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति जगाने का कार्य कर रही हैं। अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने आज की नारी पर व्याख्यान माला का आयोजन किया। इस मौके पर रेणुका जानी, शिवानी बोस, कुमुद मेढेकर, रचना पटेल और नमिता घोष ने भी अपने विचारों से नारी चरित्र की बारीकियों का खाका खींचा। मंजू दीदी ने अजन्मी बेटी का मां के नाम पत्र पढ़कर आंखों के कोरों को नम कर दिया, तो वहीं अपेक्षा खेड़कर ने अपने नृत्य से ये विश्वास जगाया कि नारी शक्ति ही जन जन का कल्याण करेगी।